सिमेंस अस्पताल के कर्मचारियों ने अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी अध्यक्ष प्यारे लाल चौधरी, आरएनए जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर यह कार्य बहिष्कार हो रहा है। कर्मचारियों ने एसएमएस अस्पताल की पार्किंग में भेदभाव करने के आरोप लगाए और अब कर्मचारियों ने कल गेट मीटिंग पर निर्णय लिया था। पार्किंग व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों ने भेदभाव के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की थी। नर्सेज ने मुख्य गेट और अधीक्षक कक्ष को बंद कर दिया है। पोर्च पर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। आप देखिए ये तस्वीर, एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ द्वारा ये नारेबाजी की गई है और अस्पताल में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर जुड़ गए हैं। सतवीर, पार्किंग में भेदभाव का ये मामला है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एसएमएस प्रबंधन अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाया है। देखिए, जिस तरीके से जो आदेश निकाले गए हैं उसके आदेश के अनुसार जो नर्सेज कर्मी है उनके लिए पार्किंग की जो व्यवस्था है वो निर्धारित की गई है और इसको लेकर जो नर्सेज कर्मी है उनमें आक्रोश है। उन्होंने जो आरोप है ये लगाया है कि लगातार भेदभाव का जिस तरह का भेदभाव है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कल गेट मीटिंग भी की थी और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की थी और आज सुबह फिर से अधीक्षक कार्यालय के सामने सभी जो नर्सिंग कर्मी है बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और यहाँ पर अब नारेबाजी का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से नर्सिंग कर्मियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है वो कतई भी इस तरह बर्दाश्त यहाँ पर नहीं करेंगे और जो अधीक्षक कार्यालय है उसकी पोर्च उसके सामने जो नर्सिंग कर्मी है वो वहाँ पर एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए हैं। उसके साथ ही उन्होंने जो अधीक्षक कार्यालय के गेट पर जो ताला भी यहाँ पर लगा दिया है। तो माना जा सकता है कि विरोध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में उन्होंने कार्य बहिष्कार की जो बात है वो भी यहाँ पर कही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था एक बार फिर जो चरमरा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार नर्सिंग कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन उन्होंने किया था और उसके बाद में एक बार फिर वो आंदोलन की राह पर है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो आंदोलन या इस तरह से कार्य बहिष्कार के बाद में जो मरीजों की जो परेशानी है वो भी बढ़ सकती है। चलिए सतवीर, जाहिर तौर पर जब नर्सिंग स्टाफ तमाम कर्मचारी इस तरीके से धरने पर बैठेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, तो मरीजों को तो जाहिर तौर पर परेशानियां आ रही होंगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस मामले को जल्द सुलझा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्किंग में भेदभाव का आरोप और आप देखिए कितनी तादाद में जो एसएमएस हॉस्पिटल के कर्मी हैं वो इकट्ठा हो गए और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो पोर्च पर एसएमएस प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। पार्किंग में भेदभाव का आरोप, पार्किंग व्यवस्था को लेकर भेदभाव के आरोपों के तहत नर्सेज ने मुख्य गेट और अधीक्षक कक्ष के गेट पर गेट को बंद कर दिया और पोर्च में नारेबाजी इनके द्वारा की गई। जब कोरोना चल रहा था तो हमारे और तुम्हारे को इन्होंने सर आंखों में बिठा रखा था, आज इनका मौका निकल गया। आज मौका निकलते ही इन्होंने हमारी गाड़ियां बाहर कर दी, कितने शर्म का विषय है ये। अस्पताल की तस्वीरें हैं ये। एसएमएस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ने लामबंदी शुरू कर दी, नारेबाजी की और पार्किंग व्यवस्था में भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। तो एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर ये विरोध किया गया।